तो मज़ा है यहाँ पर। ईदगाह बालापुर, ईदगाह है, मस्जिद है, ग्रेवयार्ड से हम लोग इंस्पेक्शन करने निकले पूरा। तो यहाँ पर देख के अफसोस हो रहा है कि क्योंकि वफ लैंड वफ की लैंड रहती है, खैर मस्जिद वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईदगाह वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग, सब हर चीज़ जो है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग वफ बोर्ड में बैठ के CEO और हम लोग ऑफिसर सब मिल के जो है बोर्ड मीटिंग में भी रखेंगे ये चीज़ को, रख के जो है ना वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती। कोई भी अगर कब्ज़ा कर रहे भी तो जो है ना टेम्पररी खुश हो जाने का रहता कि अपनी जगह है बोल के, क्योंकि ग्रेवयार्ड है, गुम्बज़ा है यहाँ पर, हर चीज़ है, सब लोग देख रहे हैं, कोर्ट भी देख रहा है, हर चीज़ देख रहे हैं, सब हम बात करेंगे वकबोर्ड में बैठ के, हम लोग जो है ना इसका डिस्कशन करके स्टैंडिंग काउंसिलों को सबको बुला के करके इस पर सीरियस लेंगे और जो है ना वफ प्रॉपर्टी हमारी हम बराबर हासिल करके रहेंगे। रोशनबदौला के तहत कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है? 6 एकड़ 16 18 घंटे है। इसके अतराफ में जो बाउंड्री मार ली है ये कौन लोग करे? ये कौन लोग करे भाई आइडिया नहीं है, कौन लोग करे मतलब आप चेयरमैन है, आपको आइडिया नहीं? नहीं नहीं, डिफेंस वाले बाजू से जो लोग बाउंड्री उठाए, डिफेंस वाले अलग है, वो तो डिफेंस वाले अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी में उठा लिए, उसकी बाउंड्री अपने को भी लग रही। ये लैंड जो भी इंक्रोच करे, लक्ष्मण रेड्डी साहब बोल के है कहते कौन जो भी है, हम इसके ऊपर हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इतना कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, अभी तक वक्फ बोर्ड को इतला नहीं है? वक्फ बोर्ड को इतला है, कोर्ट में केस चल रहा, सीनियर एडवोकेट को लगाए वहाँ पर, इसके ऊपर प्रकाश रेड्डी को भी हम लोग अपॉइंट करें सीनियर एडवोकेट को, स्टैंडिंग काउंसिल के अलावा भी। वफ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं, वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ है। जो लोग इसको परचेस करें, खरीदी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलेंगे आप? नहीं, कोई भी खरीद नहीं कर सकते है वफ प्रॉपर्टी, कोई भी खरीदी करे तो टेम्पररी रहता हो, लॉन्ग टाइम पे कोई भी हासिल नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, क्योंकि कोर्ट में केस है, इसको हम सीरियस हम भी सीनियर एडवोकेट्स को रख के जो है ना हम वेकेट कराएंगे केस को। अरे साढ़े